कैसे हो सारे, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे मस्त हो गए। तो गाइज आज मैंने दो ट्रैवलिंग की, एक भागलपुर से पटना और एक मैं पटना से दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। तो अभी तक मेरी गाड़ी आई नहीं है, बट मैं पहले आ गया स्टेशन पे कुछ देर, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट यहाँ मुझे वेट करना पड़ रहा है लगभग आधे घंटे से, फिर भी अभी तक गाड़ी नहीं आई है और देखते हैं गाड़ी कब आती है। और मेरी गाड़ी का जो टाइम है वो 5 बजे शाम में है, तो फिर देखते हैं गाड़ी कब आती है और कहाँ मेरा सीट है, किस तरह से है। ओके तो फिर मिलते हैं हम। तो गाइस मुझे कुछ ज़रूरी सामान था जो मैंने ले लिया, जैसे बिस्किट, पानी और केक वगैरह, जो कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक हमारी गाड़ी नहीं आई है, बस 5 मिनट बाकी है हमारी गाड़ी आने में। तो अब देखते हैं कब तक आती है हमारी गाड़ी, या फिर लेट करती है या जल्दी आ जाती है। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो आ गई है जस्ट 2 मिनट लेट होने के बाद। अब मैं ढूंढता हूँ सबसे पहले। तो गाइस अभी मैं अपनी सीट पे आ गया और यहाँ कुछ सामान थे जो मैंने हटा दिया, उससे नीचे रख दिया, वो पता नहीं किसका था, बट ये मेरा सीट था तो मेरा हो गया इसको कल तक के लिए। और अभी जो गाड़ी रुकी हुई है वो पटना जंक्शन में रुकी हुई है और पता नहीं ये कितनी देर बाद खुली, बट मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आप देख सकते हो, और एक पिंपल्स भी आ गई यहाँ पर, पता नहीं ये कब तक जाएगा वो छोड़ूंगा। बट मुझे एक चीज़ की खुशी हो रही है कि मैं मिर्ज़ापुर होते हुए जाऊँगा, बट एक चीज़ का गम भी है कि मैं जो मिर्ज़ापुर जाऊँगा वो रात का 11 बजे रहेगा, तो सर मैं उसका ब्लॉग ना बना पाऊँ या फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी ना कर पाऊँ, तो उसके लिए सॉरी। बट एक बार जरूर मैं मिर्ज़ापुर का ब्लॉग करूँगा और आप लोगों के बीच में जरूर से शेयर करूँगा। तो गाइस अभी कुछ देर में हमारी गाड़ी खुलने वाली है और मैंने अपना सारा सामान भी ले लिया अच्छे से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी खुलेगी और 18-20 छोटे बड़े स्टेशन को पार करते हुए ये न्यू दिल्ली में रुकेगी। फिर न्यू दिल्ली में या फिर गाड़ी के बीच में अगर मुझे मौका मिला ब्लॉग बनाने का तो मैं ज़रूर बीच में ब्लॉग बनाऊँगा। बस गाड़ी जो है अभी आरा जंक्शन पर रुकी हुई है और बस कुछ देर में यहाँ से खुलेगी गाड़ी, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब 6:30 बज रहे हैं रात में, तो मैं कुछ खाना नहीं चाहूँ। ओके भैया एक चाय चाय पी के देखो भैया, कितना रुपये हो ये लीजिए चाय पियो। ये चाय मिल चुकी है गर्म गर्म, अभी मैं इसे पीता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, मतलब यहाँ रेल का चाय कैसा लगता है पीने में। अच्छा ये बेस्ट है यार, पीता हूँ। तो गाइस बिना टीटी चेक नया था टिकट को, तो सारे कंप्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने टिकट दिखा दिया, फ़ोन में टिकट था मेरा, तो वो आराम से चले गए। और तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी जो है गाड़ी यूपी घुस चुकी है और 11 बजे का टाइम तो दिया है और गाड़ी चल ही रही है टाइम के हिसाब से, और मैंने जो पहले खाना ऑर्डर किया था वो कुछ देर में आ जाएगा, फिर मैं आपको उसका बताता हूँ कि किस तरह से मिलता है रेल का खाना और कितना ज़्यादा बेस्ट लगता है। 120 ये पकड़िए। ये लीजिए 20 रुपया, 120 कम्प्लीट, ठीक है। गाइस फाइनली हमारा जो खाना है वो आज का ये 2 रोटी है और इसमें क्या है वो मैं खोल के बताता हूँ। वाह ये देखते हैं बरेल का खाना कैसा है, इसे करो नीचे और रखते हैं इसको साइड में। बहुत मस्त है ये रोटी जो है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब बेस्ट है, और चावल ही गर्म है, सब्जी देखना पड़ेगा कैसा है ये, फिर मैं बताता हूँ आपको ये रेल का खाना कैसा मिलता है। खाना जो
था वो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर था, बट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था वो, क्योंकि रोटी भी गर्म थी, उसके बाद चावल भी गर्म था, मतलब सारी चीज़ बेस्ट थे। मैं अपना चादर निकालूंगा और सो जाऊंगा, और मिलता हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइस गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और अभी जो मैं जगह और अपने घर हूँ फ्रेश होऊंगा एंड चाय वाय देखता हूँ पीऊँगा। तो गाइस अभी हमने चाय पिया और चाय इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ, तो मेरे पास मेरा ये इतना मिलता, अब मैं इसे खाऊंगा और देखता हूँ ये कैसा है। और ये भी मैंने अभी कुछ देर पहले लिया है, बताता हूँ मैं ये कैसा है। और फिर न्यू दिल्ली में मतलब 3-4 घंटा लगेंगे अभी भी, क्योंकि अभी गाड़ी जस्ट अलीगढ़ से खुली है, और देखते हैं ये गाड़ी कब तक मुझे न्यू दिल्ली तक पहुँचाती है। गाड़ी जो है हमारी वो 1 घंटे से यहाँ रुकी हुई, और कहाँ रुकी हुई है ये कुछ पता नहीं है, बट आधे घंटे तक में यहाँ से दिल्ली मुझे पहुँचा देती, बट 1 घंटे से रुकी हुई है, तो पता नहीं ये कब तक पहुँचाएगी और कब तक लेट पहुँचाएगी। और फिर मिलते हैं हम डायरेक्ट न्यू दिल्ली में। गाइस अभी हम न्यू दिल्ली उतर गए हैं, और अभी निकलते हैं हम जंक्शन के बाहर और देखते हैं वहाँ का क्या व्यू है। ओ तो गाइस अभी हम ऊपर आए हुए हैं और रास्ते से उतरेंगे नीचे, और देखते हैं फिर ऑटो मिलती है या फिर बस, वो चेक करना होगा। तो गाइज अभी हम यहाँ हैं वेटिंग रूम में, आप देख सकते हैं ज़्यादा बेस्ट लग रही है, और अभी हम निकलेंगे इधर से बाहर और फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। बेस्ट लग रही है, और मैं पहली बार यहाँ आया, पिछली बार आया था तो मैं आनंद विहार उतरा था, बट इस बार मैं यहाँ उतरा, और यहाँ से मुझे ऑटो लेनी होगी इधर से, और फिर मैं जाऊँगा आनंद विहार, आनंद विहार से फिर बस लेनी होगी मुझे रूम तक जाने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वाला, तब तक के लिए गुड बाय।